हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट एंटी एजेंट एंटी एंजाइनल एजेंट यानी वो कंडीशन क्या होती है और एजेंट हम इस किस कंडीशन में यूज करते हैं उसका क्लासिफिकेशन विथ यूजेस जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा तो ड्रग एक्टिंग ऑन दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसे हम सीवीएस बोलते हैं तो एक एक कौन से ड्रग होते हैं द ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर हम कौन से ड्रग पढ़ रहे हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूज होते हैं अगर कुछ डिसीज डिसीज या डिसऑर्डर हो गए हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में तो उसके ट्रीटमेंट में जो एजेंट या ड्रग यूज करते हैं उसे बोला जाता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं थ्री कैटेगरीज दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंटी एंजाइनल ड्रग एंड एंटी अरदमिक ड्रग तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम देखने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होते क्या है तो इसकी डेफिनेशन जो है आपको याद रखनी है अगर किसी भी एजेंट का आपको क्लासिफिकेशन पूछा गया है तो वहां पे आपको डेफिनेशन देनी होती है तो क्या है द एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज द एंटी हाइपर टेंसिव एजेंट एंटी यानी होता है अगेंस्ट हाइपर टेंशन यानी होता है कि हाई ब्लड प्रेशर तो ऐसे एजेंट जो हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कंडीशन में यूज करते हैं उसे बोला जाता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट तो हाइपरटेंशन क्या है हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर देन नॉर्मल नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120 बाय 80 अगर इससे ब्लड प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है तो वो कंडीशन हो जाती है हाइपरटेंशन तो इस हाइपरटेंशन कंडीशन में जो एजेंट यूज करते हैं उसे बोला जाता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट तो आप इस डायग्राम में देख ही सकते हो ये जो है 120 या 130 थर्टी 80, एटी उससे जो है रेशियो इंक्रीज हो जाता है तो हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर या आप देख सकते हैं हेल्दी ब्लड वेसल्स दी गई है ना हाइपरटेंशन में क्या होता है इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है उसकी वजह से ब्लड का फ्लो है इंक्रीज हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर जो है आर्टरीज की वॉल पे एक्ट होता है हाइपर यानी होता है इंक्रीज तो हाइपरटेंशन तो इंक्रीज इन टेंशन टेंशन इन ब्लड प्रेशर तो इस तरह से जो था कंसेप्ट है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट उसके बाद में इसके कुछ ब्लड प्रेशर के रेंजेस भी है जैसे कि हेल्दी जो होता है उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है तो सिस्टोलिक लेस देन 20 और डायस्टोलिक जो है लेस देन 80 होना चाहिए अगर इलीवेटेड जो कंडीशन है हाइपरटेंशन की उसमें जो है जो सिस्टोलिक प्रेशर है 120 टू तो 129 हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 80 एम ऑफ एच उससे कम होता है स्टेज वन हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन के दो स्टेजेस है और एक हाइपरटेंशन क्राइसिस है तो स्टेज वन में क्या होता है सिस्टोलिक में 130 टू तो 139 और जो डायस्टोलिक है उसमें 80 टू 89 आपको ऑब्जर्व होता है और स्टेज टू में जो है उससे भी बढ़ जाता है दैट इज 140 और हायर एंड डायस्टोलिक जो है 90 और उससे ज्यादा होता है और हाइपरटेंशन क्राइसिस में जो है ओवर 180 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जाता है और ओवर 120 जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरटेंशन क्राइसिस उसके बाद में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट तो इसमें जो है टोटल फाइव मेन क्लासेस है उसमें आते हैं डायुरेटिक, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिवेटर सिंपैथेटिक इनिवेटर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड देशोडाइलेटर जो नेक्स्ट स्लाइड में है तो डायरेटिक्स डायूरिटिक्स क्या होते हैं ऐसे एजेंट जो यूरिन का आउटपुट जो है या फ्लो है इंक्रीज करते हैं तो अगर आपके बॉडी में से जितना ज्यादा वाटर बाहर जाएगा उतना ही आपका जो इंक्रीज टेंशन है यानी हाई ब्लड प्रेशर हुआ है वो लो हो जाएगा यानी नॉर्मल आ जाएगा तो इसीलिए जो है हम डायरेटिक्स एजेंट यूज करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट तो इसमें जो है सब थ्री कैटेगरीज है जैसे कि थायसाइड डायूरिटिक आपका फोरोसेमाइड और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरिटिक्स में आता है स्पीरानोलेक्टोन इप्लेरिनोन एंड दमिलोराइड तो ये तीनों ड्रग आपको याद रखने हैं आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है विच ऑफ दॉट अ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक तो आपको पता होनी चाहिए सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हाइपरटेंशन के लिए अगर उस सिस्टम को आप इनिबिट करते हैं इनिबिट यानी ब्लॉक कर देते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर दैट इज जो हाइपरटेंशन है वो कम हो जाता है तो इसमें जो है हम थ्री टाइप थ्री कैटेगरीज के ड्रग देते हैं जिसमें आता है एसीई सी एसीई यानी होता है एंजियोटेंसिंग कन्वर्टेज एंजाइम इनिबिटर तो ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हाइपरटेंशन के लिए उसको हम इनिबिट करते हैं तो ये एक चीज आपको याद रखनी है जितने भी सफिक्स में प्रील वाले ड्रग होते हैं वो होते हैं एसीई इनिबिटर, जैसे कि कैप्टोप्रिल इनालप्रील, लिसिनोप्रील, पेरिंडोप्रील, प्रिल पेरिंडोप्रिल क्विनाप्रील, ट्रेंडोलाप्रील। तो आपको इसमें से जो है दो तीन ड्रग के नाम याद रखने हैं जो एसीई इनिबिटर्स में आते हैं प्रील वाले उसके बाद में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर तो 81 एंड एंड 82 दो एंजियोटेंसिन टू ऐसे रिसेप्टर होते हैं तो 81 ब्लॉकर जो है हम यहाँ देते हैं जिसमें सारे के सारे सार्टन सफिक्स वाले जो ड्रग आते हैं वो आते हैं हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में जैसे कि लो सार्टन, कंडे सार्टन, वाल सार्टन, टेलमी सार्टन, इरबे सार्टन, ओलमे सार्टन, पूरे के पूरे सार्टन वाले जो कैटेगरी के ड्रग होते हैं वो आते हैं हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में और थर्ड कैटेगरी है डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर जो रेनिन होता है उसको डायरेक्टली इनिबिट करते हैं उसमें आता है आलिस तो इस तरह से हमारे दो कैटेगरी हो गई थर्ड कैटेगरी है सिंपैथेटिक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हम सिंपैथेटिक देंगे यानी उस सिस्टम को अगर हम इनिबिट या ब्लॉक करते हैं तो ड्रग आते हैं हमारे एंटी हाइपरटेंसिव में तो इसमें फोर कैटेगरीज है जिसमें बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर बीटा जो रिसेप्टर है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो है एजेंट हम देते हैं लॉल वाले जितने लॉल एंड में लॉल आता है वो ड्रग आते हैं हमारे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में जैसे कि वाले उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा एड्रे ब्लॉकर जिसके भी जो एंड में है लॉल आता है जैसे कि लेबिटोलॉल, कार्वेडिलॉल तो आप यहाँ एक ट्रिक यूज कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा वाले जो है कार ला या फिर ला कार

तो ये ड्रग थे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के नेक्स्ट टू कैटेगरीज आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डीवैसोडाइलेटर तो कैल्शियम चैनल्स होते हैं कैल्शियम चैनल्स को अगर ब्लॉक किया जाए तो जो हाइपरटेंशन है वो डिक्रीज होता है उसमें भी थ्री कैटेगरीज है जैसे कि फिनिल अल्काइलामाइन में आते हैं वेरापामिल आप डायरेक्टली भी जो है ड्रग याद रख सकते हैं जैसे कि वेरापामिल डिल्टियाजम डिल्टीजिन या फिर दिस कैटेगरी वाइज भी आप जो है ड्रग याद रख सकते हैं जैसे कि फिनेल अल्किलाइन में आता है वेरापामिल वेरापिलोजिपिन में आता है डिल्टीएज एंड डायहाइड्रोपायडिन में आता है निफीडिपिन फेलोडिपिन अम्लोडिपिन नाइट्रेनडिपिन लेडिपिन लारिडीपिन एंड बेनीडिपिन ये ड्रग आते हैं आपके डाईहाइड्रोपायडिन में और लास्ट हमारी कैटेगरी है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की यानी होता है जैसे कि कंस्ट्रिक्ट और डायलेट दो कैटेगरी है कंस्ट्रिक्ट में जो है ब्लड वेसल्स का डायमीटर छोटा होता है और डायलेट में जो है ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाता है हाइपरटेंशन है यानी ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज हुआ है तो वैसे डायलेटर अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हुई तो क्या होगी ब्लड प्रेशर आपका कम होगा तो इसीलिए हम एजेंट यूज़ करते हैं, हैं जिसमें आते है आर्टेरियोलर डायरेटर में और आर्टेरिज प्लस वेन्स जो होती है उसको डायलेट करते हैं वो एजेंट में आते हैं नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम और आर्टेरिस डायरेक्ट में आते हैं हाइड्रालाजाइन मिनोक्सीडिल एंडी डाइजोक्सिन तो ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है तो आपको जो है याद रखना है उसके बाद में इसके यूजेस भी पूछे जाते हैं जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्लासिफिकेशन देखा उसमें का कौन सा भी ड्रग के आपको यूजेस बोले हैं तो आप एक कॉमन चार यूजेस जो है आप वह लिख सकते हैं जैसे कि हाइपरटेंशन द ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंशन द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ दिस मेडिकेशन इज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर

हार्ट कंडीशन में भी जो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट हम यूज करते हैं उसके बाद में हाइपरटेंसिव एजेंट जो है हम किडनी डिसीज में यूज करते हैं सम किडनी डिसीज आर एसोसिएटेड विथ हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंसिव ड्रग हेल्प प्रोटेक्ट द किडनी उसके बाद में जो एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स है वो हम माइग्रेन के प्रिवेंशन में भी यूज करते हैं जैसे जैसे कि बीटा ब्लॉकर कैटेगरी के ड्रग थे आर ओकेजनली यूज टू प्रिवेंट द माइग्रेन अल्दो दे आर नॉट प्राइमरी माइग्रेन मेडिकेशन तो हम जो है ऑक्सीजनली सकते हैं टू प्रिवेंट ऑफ दाइग्रेन तो ये हो गए कॉमन में हम नेक्स्ट कैटेगरी देखने वाले हैं एंटीक ड्रग यानी होता क्या है तो एंटीिक एजेंट यानी क्या होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियमियामिक एजेंट तो आपको इस वर्ड में ही दिखाई देगा एंटी यानी होता है अगेंस्ट अपोजिट अरिदमिया द एजेंट विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अगेंस्ट एरिदमिया इज नोन एज अ एंटी अरिथमिक एजेंट इस तरह से भी जो है आप एडमिशन डेफिनेशन uh, जो है वो लिख सकते हैं तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ए है नॉर्मल हार्ट रिदम जिसमें आपको सिमिलैरिटी uh, दिखाई देगी लेकिन जो इरिलेगुलर इरेगुलर हार्ड रिदम है उसमें एकदम फ्लेक्सिबिलिटी आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई होगी, तो इस कंडीशन को बोला जाता है कंडीशन। कंडीशन और में जो अरदमिया इज अ डिस्टर्बंस इन जनरेशन और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन जो मेम्ब्रेन के डिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स वगैरह तो उसका जो है कंडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है या फिर हार्ट रेट देखिए आपको यहाँ डिस्टर्ब हो गई है रिदम डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कंडीशन को अरदमिया बोला जाता है एंड दिस डिस्टरबेंस कैन लीड्स टू अल्टरेशन इन ओवरऑल कार्डियक फंक्शन दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग तो ये जो है भी माना जाता है अरदमिक कंडीशन को तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग हम यूज करते हैं इन एंटी तो यहाँ पे जो है टोटल फोर क्लासेस है क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर लेकिन जो क्लास वन है उसमें भी वो थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है जैसे कि क्लास वन ए क्लास वन बी एंड क्लास वन सी तो यहाँ पे हम हमने जो है एक ट्रिक्स दी गई है जैसे कि देखो डबल क्वार्टर पाउंडर विथ लेटिस्ट मायो एंड टोमेटो एंड मोर फ्राइज प्लीज यानी ये जो है हम वेटर को बोल रहे हैं तो ये सेंटेंस से भी आप जो है ड्रग के नाम याद रख सकते हैं तो क्लास वन ए में आते हैं प्रोकेनाइट प्रोकेनामाइड पायराइड डी क्यू पी डबल क्वार्टर पाउंडर तो ये इससे आप ये ड्रग के नाम याद रख सकते हैं नेक्स्ट है क्लास वन बी क्लास वन बी में आते हैं लिडोकेन मेगजिलिटिन टोके जिसमें आपकी ट्रिक थी ए सेंटेंस को कंटिन्यू वी लेट्यूस मायो एंड दी टोमेटो उसके बाद में क्लास वन सी है जिसमें मोर फ्राइज प्लीज तो ड्रग है मोरिसिजिन फ्लेकेनाइड एंड प्रोपेफिन तो फ्लेकेनाइड एंड प्रोपेफिन ये दो ड्रग इंपॉर्टेंट है तो ये आपको याद रखनी है उसके बाद में क्लास टू में कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर जो हमने एंटी हाइपरटेंसिव में देखे थे बीटा ब्लॉकर जो लॉल वाले ड्रग थे तो इसमें जो है पूरे लॉल वाले ड्रग आते हैं जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल एटेनोलॉल मेटाप्रोलॉल क्लास थ्री क्लास थ्री में जो है ट्रिक्स है दिस इज अड एस ए डी एस मीन्स होटेलॉल ए मीन्स अमियोडेर एंड डी मीन्स दी डोफेलीटाइड एंड लास्ट इज इज क्लास फोर क्लास फोर जैसे कि आई एंड वी वन वन है एन है तो वन एन फाइव इन क्लास फोर तो इस ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं जिसमें आते हैं डिल्टी डिलीअम एंड तो आप देखिए वी एन ए ओ रोमन जैसे होते हैं तो इस तरह से आप ट्रिक यूज करके ये क्लासिफिकेशन जो है याद रख सकते हैं एंटी अरथमिक एजेंट का ए भी क्लासिफिकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी अंजाइनल ड्रग तो एंटी अंजाइनल ड्रग होते क्या है

इन एडिक्युएट ब्लड का सप्लाई नहीं होने की वजह से जो है जो चेस्ट पेन होता है उस कंडीशन को बोला जाता है अंजाइना पेक्टोरिस तो इसमें जो है ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है उसकी वजह से जो है अंजाइना पेक्टोरिस डिसीज होता है और जो एजेंट हम अंजाइनो पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं उसे बोला जाता है एंटी अंजाइनल एजेंट तो इसका भी क्लासिफिकेशन है जिसमें टोटल फाइव क्लासेस है नाइट्रेट्स बीटा ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पोटेशियम चैनल ओपनर एंड अदर एंटी एंजाइनल ड्रग तो नाइट्रेट्स में जैसे कि दो है शॉर्ट एक्टिंग दी लॉन्ग एक्टिंग जो शॉर्ट एक्टिंग वाले ड्रग है वो सबलिंगुअली देते हैं एंड लॉन्ग एक्टिंग वाले जो ड्रग है वो ओरली देते हैं तो शॉर्ट एक्टिंग में आता है ट्राइनाइट्रेट ट्राइनाइट्रेट एंड डाइनाइट्रेट जो सबलिंगुअली यूज होते हैं उसके बाद में लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट जो ओरली लेते हैं आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट ये दोनों ही आपने याद रखे क्योंकि ये कोरिलेट करते हैं नेक्स्ट है, है इथिरिन एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट टेट्रानाइट्रेट तो ये ड्रग आते हैं लॉन्ग एक्टिंग में नेक्स्ट कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर की तो बीटा ब्लॉकर में पूरे लॉल वाले ड्रग आते हैं जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल मेटाप्रोलॉल एटेनोलॉल लाइक दैट उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की जिसमें आता है वेरापामिल डिल्टियाजम अम्लोडिपिन एंड नाइट्रेन डिपिन और नेक्स्ट कैटेगरी है पोटेशियम चैनल ओपनर जो पोटेशियम चैनल होते हैं उसको ओपन किया जाता है जिसकी वजह से जो अंजाइनल पेन है वो रिड्यूस होता है जिसके एग्जांपल में आता है निकोरेंडिल तो ये ड्रग आपको याद रखना है निकोरेंडिल जो ड्रग है वो पोटेशियम चैनल ओपनर में आता है और अदर एंटी एंजाइनल ड्रग्स भी है जैसे की ट्राइमेटाजीडिन रैनोलैजिन आइवाब्रेडिन आय, एंडी तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स तो इसके भी कॉमन यूजेस है जो हम अगर आपको एंटी एंजाइनल कौन सा भी ड्रग के यूजेस पूछे गए हैं तो आप जो है उसमें

पेन हो रहा है तो वो पेन को प्रिवेंट करने के लिए भी जो है हम एंटी एंजाइनल ड्रग यूज कर सकते हैं और थर्ड यूज है इंप्रूविंग दी एक्सरसाइज टॉलरेंस सम एंटी एंजाइनल ड्रग्स कैन एनहांस एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी विदाउट एक्सपीरियंसिंग चेस्ट पेन तो ये थे कॉमन यूजेस ऑफ दी एंटी एंजाइनल ड्रग्स तो हमने जो है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो इंपॉर्टेंट थे वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो ऐसे ही वीडियोस के लिए जो है हमारे वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जो है जरूर करें